मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आप सुन रहे हैं कमला दीदी के लेखन से दादा सुधीर मुखर्जी का एक आलेखन, एक उनका चित्र। दीदी ने बड़ी बेबाकी से अपनी कलम चलाई है और उनके जो संस्मरण है वो निश्चित रूप से ऐसे आंकलिक करते हुए हैं, ऐसी एक समीक्षा है जहां सुधीर दादा की बहुत सारी बातें मिथ्या साबित होती हैं जो लोगों ने भ्रांतियों के रूप में लोगों से बता रखी हैं, फैला रखी हैं। जैसा कि उन्होंने बताया था कि वो पूरे नास्तिक, तो मैंने बताया कि वो आस्तिक थे और घर में क्या वातावरण रहा था। आज दीदी लिखती हैं कि 1950 में उनका विवाह हुआ। जब उनका विवाह हुआ उस समय दीदी राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद में पढ़ाती थी। वो भी प्रोफेसर थे, वो भी शिक्षक और ये भी शिक्षक, तो दोनों लोगों की शादी हो जाती है और शादी के समय परिवार में मुखर्जी साहब, उनकी मां, मौसी मां, उनके देवर सुबोध मुखर्जी यानी सुधीर दादा के जो भाई सुबोध मुखर्जी और उनका एक भांजा विभूति साथ में रहते थे। ये मैं सारा विवरण आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज जब विवाह होता है तो उस समय मां बाप या जो भी एक समाज की ऐसी परिकल्पना हो गई है कि घर में बहुत या पति और उनके माँ बाप, बस इससे ज्यादा और कहीं ज्यादा ना हो, तो एक संयुक्त परिवार की परंपरा थी उस समय, आज भी है कहीं कहीं। और बहुत संयुक्त परिवार का जो रिश्तों को रखने का एक, मैं ये कहूँ कि मानक होता है, एक ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ जिसका तो स्वाद या जिसके बारे में वही बता सकता है जो संयुक्त परिवार में रह रहा है। तो मित्रों उस समय माँ और मौसी माँ, देवर सुबोध मुखर्जी और भांजा विभूत, इतने लोग परिवार में हैं। कमला दीदी वहाँ जाती हैं और कमला जी अपने एक भारतीय नारी के जो गुण हैं वो पूरी तरह से वहाँ पर अपने उस घर में अपना स्थान बना लेती हैं। और ये बेटी के ऊपर भी बहुत कुछ होता है। अगर वो माँ बाप छोड़ के आती हैं तो माँ बाप को भी ये समझना चाहिए, सास ससुर को भी ये समझना चाहिए कि हम उनके माँ बाप हैं। ये रिश्तों की बातें उन्होंने लिखी हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो वो लिखती हैं कि जब हमारा विवाह हो गया, हम लोग वहां रह रहे थे, तो उस समय वो बकायदा तारीख देती हैं, 17 जून 1955। उनकी एक शिष्य है यानी उनकी एक छात्रा है नंदी पंत, वो घर पर आती है और बताती है कि हमारे यहाँ एक बाबा जी आए हैं। और बाबा जी की पहले भी चर्चा की थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊंगी। माँ मौसी से बातचीत होती है तो वो ये कहती हैं कि चलो दर्शन करके आते हैं। नंदी पंत कहती है कि मैडम अभी दीदी चल रहा हूँ तो अभी देख मिल लीजिएगा। उनका कोई भरोसा नहीं रहता कि कब आए और कब चले गए। आप जानते हैं महाराज जी के ये विचरण घूमना उनकी प्रवृत्ति में था, लोगों का घूम घूम के उद्धार करते थे। तो उस समय क्या हुआ कि नंदी पंत आई हुई है और उन्होंने कमला दीदी से कहा, तो कमला दीदी ने माँ और मौसी से कहा, तो माँ मौसी और कमला दीदी तीनों लोग तैयार होती हैं और तैयार होकर नंदी पंत के घर जाने को, जो पड़ोस में ही घर है वहां होती हैं। तो मुखर्जी साहब पूछते हैं कहाँ जा रहे हो आप लोग। कमला दीदी कहती हैं कि हमने कहा कि वो वहां बाबा जी आए हुए हैं तो वो उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो उनके एक बंगाली मित्र, दो तीन मित्र बैठे हुए हैं, उनमें से एक पूछता है कि अरे किस तरह के बाबा हैं, कुछ खाते पीते हैं। खाने पीने से मतलब ये था कि बंगाली लोग मांसाहार करते हैं, तो यही औचित्य था। तो माँ ने और मौसी माँ ने डांट के कहा ऐसी बात नहीं करते, संत लोगों के बीच में ऐसी बात नहीं करते। वो मित्र उनका चुप हो गया और तीनों लोग
चली गई और बाबा जी पास ही मकान है वहां सामने बैठे थे, चारपाई पे लेटे हुए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि तीन महिलाएं आई हैं, हालांकि कहीं कहीं वर्णन है कि उन्होंने नाम नहीं पूछे थे, लेकिन कमला दीदी लिखती हैं कि सबसे पहले महाराज जी ने नाम पूछे कि तुम लोगों के नाम क्या हैं, और नाम जैसे ही हम लोगों ने बताए वैसे ही उन्होंने कहा जाओ अब। तो उन्होंने कहा हम तो बाबा जी आपके दर्शन करने आए, बैठना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं जाओ, तुम्हारे पति के बंगाली मित्र बैठे हुए हैं वहां पर, उनको जाओ चाय पिलाओ जाके, और कल हम आपके घर पे आते हैं। जब ये बातचीत हुई उनको तीनों लोगों को बैठने नहीं दिया और महाराज जी ने उनको वापस भेज दिया। तीनों लोग वापस आ जाते हैं और जैसे ही मुखर्जी साहब पूछते कि तुम लोग तो अभी गए और अभी आ गए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि कमला जाओ तुम्हारे पति जो है घर पर बैठे हुए हैं, तो उनके मित्र बैठे हुए हैं और उनके मित्र चाय की इच्छा कर रहे हैं, और वो वास्तव में उस समय कहते हैं कि चाय मिल जाए तो ठीक है, हमें बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने तो वो सोचती है कि ये कैसे हो गया कि हमने तो उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारे घर में हमारे पति के मित्र बैठे हुए हैं और वो चाय की इच्छा कर रहे हैं। बहरहाल तीनों लोग आ जाते हैं और चाय पिलाकर उनको उनके मित्रों को विदा करती हैं। फिर आपस में उन बाबा जी की चर्चा होती है, शाम का खाना और चर्चा, चर्चा घर में होती है जब पूरे दिन की बात होती है। तो मित्रों वो लिखती हैं कि ये प्रथम दर्शन थे और हम लोगों के क्षणिक दर्शन थे। दीदी और भी अनुभव लिखती हैं, तो कल मिलते हैं, आज राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।